Finally, hey everybody. So finally, hey everybody. So hello and back, welcome guys. आपका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से. वो बहुत ही दिनों बाद हम आए हैं क्योंकि यार मतलब बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था मैं और व्लॉग एडिट करने का भी नहीं मेरे पास टाइम नहीं था. तो मैं सोच रहा हूँ आज वीडियो को एडिट करके डाल ही दिया जाए. यार संडे हो गया है, 150 सब्सक्राइबर है लगभग समथिंग. तो मतलब यार 150 से मतलब 151 भी हो, 152 भी हो, यार धीरे धीरे मतलब रीच डाउन हो रही है अपनी. तो मतलब रीच यार थोड़ी ऊपर उठे तो मतलब मज़ा भी आवे. ठीक है, कोई नहीं, जो देख रहे जिनके लिए दिल से शुक्रिया, देखते हैं जो नहीं देखते जिनके लिए भी शुक्रिया क्योंकि वो नहीं देख के अपना टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहे यार. ठीक है, और मतलब ऐसा है कि यार मतलब बहुत दिन हो गए, मतलब मेरा मन ही नहीं मान रहा था यार क्या करे. मैं कुछ वापस कॉमेडी कैटेगरी में आना चाहता था लेकिन यार मतलब कॉमेडी कैटेगरी में बहुत बड़ी टीम की आवश्यकता होती है जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है. ठीक है, और सेकंड चीज़ ये है कि कैमरा क्वालिटी वगैरह, स्पेस, माइक, इतना मतलब मेरे पास अभी बजट भी नहीं है कि मैं मतलब पूरी टीम को मतलब ये कर सकूँ. प्रोड्यूस करनी पड़ती है, मतलब अपन यार लेवल वाली वीडियो लाएंगे ना यार, कब तक यार, बच्चे कुछ वेब सीरीज जैसा लाएंगे लेकिन टाइम आने के बाद. ठीक है, अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है और टीम भी पूरी प्रॉपर नहीं है. स्क्रिप्टें हमारे पास बहुत बड़ी लिखी हुई है, मतलब स्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेन चैनल पर भी वीडियो आएगी लेकिन अभी ब्लॉग चैनल को मतलब इसको क्यों छोड़े यार. तो मतलब ब्लॉग चैनल पर आप सभी बढ़ाए रहे. तो हम चलने वाले हैं जोधपुर. ठीक है, जो कि मैं वहाँ पर जा चुका हूँ लेकिन इस फील्ड में तो हम चलने वाले हैं जोधपुर, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है. बहुत ही ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर. ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है. ओशिया नामक जगह है जहाँ पर है सच्ची आई माता का मंदिर जो कि 9वीं-10वीं शताब्दी में बना था. तो मतलब आप देखिए पहले, फिर मैं आपको बोर करता हूँ. अच्छा माता जी क्या जिनका मंदिर वो दिख रहा है आपको, तो उस मंदिर में गांव का नाम ही है पर उसी के नाम पर मतलब ओशिया माता जी है. तो मतलब जिला जोधपुर में ये है. इस तो है कि मारवाड़ में बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो लोग यहाँ पर गर्मी में कैसे रहते होंगे, मेरा तो सोच के ही दिमाग ख़राब हो रहा है. अभी मतलब हमारी साइड है इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, बहुत कम पड़ती है गर्मी यहाँ पर. इतनी गर्मी मतलब इस सीज़न में सर्दी लागू होने वाली है, सर्दी में मतलब सर्दी नहीं लगती होती. जरूर कर लें. और आज हम जोधपुर के ओशिया माता जी ओशिया गांव में सच्ची आई माता जी के यहाँ पर आए हैं.
तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मंदिर है हाँ। और यहाँ पे देखने जैसी चीजें है, और वो साइड में वो पवन चक्की है हाँ। और बहुत सारी दुकानें हैं और सामान वामान वगैरह सब मिलते हैं। तो मतलब जोधपुर में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है हाँ, मारवाड़ का यही है। और यहाँ पे रेत के टिल्ले भी पाए जाते हैं बहुत ज्यादा। मारवाड़ का यही उसूल है कि अगर आप यहाँ पे गर्मी में आते हो तो बिल्कुल रह ही नहीं सकते हो। बाकी तो सीन ऐसा है कि थोड़ा सा हड़का नहीं, बहुत ज्यादा कड़कता धावड़ा पड़ रहा है। ये हमारी हालत टाइट कर चुका है, पर मंदिर में बहुत ज्यादा ठंडा ही है। और यहाँ कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं था। तो गाइस सच्चाई माता जी की मतलब एक बावड़ी है जो कि काफी प्रसिद्ध है भाई, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। एक एकड़ जगह में ये है कातन बावड़ी ओसिया। अगर आप अपनी मनक जमारे में कभी आए, मेरे हिसाब से तो आप नहीं आएंगे कभी, लेकिन आप मनक जमारे में आए तो बहुत ज्यादा विशाल है बावड़ी। जय माता दी। तो काफी बड़ी है ये, देखने लायक है। और मतलब इसमें पानी की एक छाटो तक आते देख सकते हो, वही मंदिर है माता सच्ची आई जी का जो कि काफी पुराना है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए लाइक करो फॉलो करो। भूल छुप ना जाओ जी, मन दीद कराओ जी।